नेक्स्ट हम देखते हैं जी डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे निकालने हैं, तो सबसे पहले हमें उनकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x होता है इफ एंड ओनली इफ x किसके बराबर हो, साइन हाइपरबोलिक y के बराबर, वेयर x y कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और इसके अलावा जो चैप्टर वन में डेफिनेशन लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ लॉग, वो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x ये होता है लॉग ऑफ x प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और हम इजीली इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहां पर फिलहाल नहीं करेंगे। बुक में प्रूफ किया हुआ है कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स की ये डेफिनेशन होती है। उसके बाद मैंने लिखा है जी टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स को एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई, और डोमेन लिखी हुई जी एक्स माइनस वन से वन है और वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देन नेक्स्ट सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स, कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स, तो ये इनके डेफिनेशंस हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की। और साथ में मैंने इनकी डोमेन मेंशन भी की हुई है, साइन और कॉस जो है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स और कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स, उनको मैंने इन टर्म्स ऑफ लॉग भी एक्सप्रेस किया हुआ है, तो उनको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इन हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालने, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालने। तो वो क्या है, सबसे पहले हम वो फार्मूले देखेंगे कि इनके डायरेक्ट फार्मूले क्या हैं, और उसके बाद हम उन छह में से तीन जो है उनको प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं जी, सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले है जी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या है, सिंपली वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का इतना डेरिवेटिव। अगर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाए, एक्स ना आए, फिर हमें चेन रूल का सहारा लेना पड़ेगा और वो क्वेश्चंस के अंदर हम उसको डायरेक्ट यूज करेंगे, फिर क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको आगाह कर दूंगा उससे। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स वेयर इसकी डोमेन जो है वो क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला है वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन वन। टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स है वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह कॉट भी है, सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स है और कोसेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स है। तो ये आपने फार्मूले याद करने हैं और हम इनको एज इट इज क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे जहां पे हमें जरूरत होगी। और इनमें से तीन के हम प्रूफ देखते हैं, जिनमें साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स, टेंजेंट हाइपरबोलिक और सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स। तो आइए अब हम उनके प्रूफ देखते हैं कि कैसे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। तो चलिए प्रूफ करते हैं जी, डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं इसको y के बराबर, के y है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, और फिर डिफरेंशिएट करके हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, तो इनवर्स को खत्म कर दें, यहां आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x, ये आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y, जैसे आप करना चाहते हैं। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक वाई, और यहां पे क्या आ जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स। अब यहां पे साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई है, डेरिवेटिव में एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहा हूं तो नहीं आएगा, मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y और फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां मैं करूंगा d बाय डी वाई ऑफ साइन हाइपरबोलिक y और फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन हाइपरबोलिक y उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, साइन हाइपरबोलिक y या साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, cos, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो यहां आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन। डी वाई बाय डी एक्स निकाल लें तो वन उधर चला जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वन ओवर कॉस हाइपरबोलिक वाई। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, फेमस आइडेंटिटी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी तीन, उनमें से एक सबसे पहली साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये होती है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। लेकिन अगर हम हाइपरबोलिक फंक्शंस में बात करें तो ये आइडेंटिटी कैसी होगी,
आपने क्या करना है, जो तीन हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, साइन स्केयर जमा कॉस स्केयर इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्केयर इक्वल टू सीकेंट स्केयर, और वन प्लस कॉस स्केयर इक्वल टू कोसेकेंट स्केयर, अगर उनको हाइपरबॉलिक में चेंज करना है तो आपने क्या करना है, जहां जहां साइन हाइपरबॉलिक वाली टर्म इन्वॉल्व है, साइन हाइपरबॉलिक स्केयर वाली टर्म ऑब्वियसली, उन टर्म्स के कॉफिशेंट्स आपने माइनस में लिखने, यानी उसके शुरू में आपने माइनस लिख देना। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं हाइपरबॉलिक फंक्शंस में, तो ये मेरे पास बनेगी माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्केयर थीटा या एक्स प्लस कॉस हाइपरबॉलिक स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन। तो क्या किया है, अगर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली ये आइडेंटिटी थी, हमने इसको हाइपरबॉलिक में कन्वर्ट किया है, तो जहां पे साइन हाइपरबॉलिक स्केयर वाली टर्म्स मौजूद है उनके बाहर आपने क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्केयर प्लस कॉस हाइपरबॉलिक स्केयर इज इक्वल टू वन। तो यहां से आपका कॉस हाइपरबॉलिक स्केयर क्या बन जाएगा, कॉस हाइपरबॉलिक स्केयर बन जाएगा वन प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्केयर थीटा, ये आ गया कॉस हाइपरबॉलिक स्केयर थीटा। यहां पे है कॉस हाइपरबॉलिक वाई, और कॉस हाइपरबॉलिक वाई क्या कभी नेगेटिव होता है, कॉस हाइपरबॉलिक वाई किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे पास e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y ओवर 2, ये होता है कॉस हाइपरबॉलिक y, y कोई रियल नंबर होता है यहां पे। तो कॉस हाइपरबॉलिक y का जवाब हमेशा पॉजिटिव ही जवाब आता है, कभी नेगेटिव नहीं आता, ये पॉजिटिव नंबर है। तो इस पॉजिटिव नंबर को हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, यानी तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इसी इस फार्मूले की मदद से, कॉस हाइपरबॉलिक वाई को मैं लिख सकता हूं स्केयर रूट ऑफ वन प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्केयर वाई, क्योंकि कॉस हाइपरबॉलिक वाई हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, उसकी डेफिनेशन से ही जाहिर है। तो कॉस हाइपरबॉलिक वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो वन ओवर वन प्लस ये है साइन हाइपरबॉलिक स्केयर वाई, और हमने क्वेश्चन के अंदर ही देखा है कि एक्स बराबर था साइन हाइपरबॉलिक वाई के, ये देखिए x हमारा बराबर था साइन हाइपरबॉलिक y के, तो हम अब x की जगह लिख सकते हैं, हम साइन हाइपरबॉलिक y की जगह क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो यहां साइन हाइपरबॉलिक का स्केयर है, तो x का क्या आ जाएगा स्केयर, और यहां पे स्केयर रूट, और d बाय dx ऑफ y क्या हमने लिया हुआ था, साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ x, तो साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आ गया वन ओवर वन प्लस एक्स स्केयर का स्केयर रूट। नेक्स्ट हम प्रूफ देखते हैं जी, टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम रूटीन, वाई के बराबर लेट करेंगे इसको, वाई इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहां से आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबॉलिक वाई इज इक्वल टू एक्स, ये आ गया। अब डिफरेंशिएट हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेते हैं, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर ले तो कोई इशू नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर ले, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहां पे क्या होगा, टेंजेंट हाइपरबॉलिक वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई होता है, और यहां क्या आ जाएगा डीएक्स ओवर डी वाई, और अगर मुझे dy बाय डी एक्स चाहिए तो dy बाय डी एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं वन ओवर dx ओवर dy, तो dy बाय डी एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं वन ओवर dx ओवर dy। तो अगर मुझे यहां से dy बाय डी एक्स चाहिए तो वो क्या निकल आएगा, वन ओवर secant हाइपरबॉलिक स्केयर y। जो तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज थी ट्रिग्नोमेट्री की जो मैंने आपको बताई, उनमें जो दूसरी थी वो थी वन प्लस टेंजेंट स्केयर इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर, वन प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा, और अगर हम इसको कन्वर्ट करें हाइपरबॉलिक फंक्शंस में तो ये होगी वन माइनस टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबॉलिक स्केयर थीटा। और ये माइनस क्यों है, ये मैंने आपको वजह बता दी है कि जहां जहां पे साइन हाइपरबॉलिक स्केयर वाली टर्म इन्वॉल्व होगी उससे पहले आपने माइनस लिखना है। तो यहां टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्केयर के अंदर मौजूद है साइन हाइपरबॉलिक स्केयर, तो उससे पहले मैंने माइनस लिखना है। तो यहां पे सीकेंट हाइपरबॉलिक स्केयर वाई है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं वन ओवर
वन माइनस टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई, और टेंजेंट हाइपरबॉलिक वाई किसके बराबर लिया हुआ मैंने, एक्स के बराबर, तो वन माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो वाई था मेरा टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स, और उसका मैंने डेरिवेटिव निकाला तो क्या निकल आया, वन ओवर वन माइनस एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं जी डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स, माइनस वन ओवर एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम प्रूव करते हैं जी, वही काम y के बराबर लेट करके डेरिवेटिव लेके काम करते हैं आगे। y इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ x, तो यहां से सीकेंट हाइपरबॉलिक y आपका क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो d बाय डी वाई ऑफ सीकेंट हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई, तो क्या बन जाएगा ये, क्या आ गया हमारे पास, सीकेंट हाइपरबॉलिक y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस सीकेंट हाइपरबॉलिक y टेंजेंट हाइपरबॉलिक y, तो यहां आ गया माइनस सीकेंट हाइपरबॉलिक y टेंजेंट हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई, और dy वाई बाय डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा माइनस वन ओवर सीकेंट हाइपरबॉलिक y और टेंजेंट हाइपरबॉलिक y, और सीकेंट हाइपरबॉलिक y हमारे पास किसके बराबर है, x के, तो मैं उसकी जगह लिख सकता हूं माइनस वन ओवर x, और टेंजेंट हाइपरबॉलिक y की वैल्यू हमने उसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी थी वन माइनस टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, तो वन माइनस सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर क्या बन जाएगा, टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, तो टेंजेंट हाइपरबॉलिक वाई को मैं लिख सकता हूं वन माइनस सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई का स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस वन ओवर एक्स इंटू वन माइनस सीकेंट हाइपरबॉलिक वाई एक्स के बराबर है, तो यहां उसका स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, तो माइनस वन ओवर एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास किसका डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई था हमारे पास सीकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स, तो क्या आ गया माइनस वन ओवर एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं जी हम, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स if y is equal to tangent hyperbolic inverse of sin x, where x lies between minus pi by 2 and pi by 2, y हमारे पास given है, हमने dy by dx निकालना है, तो tangent hyperbolic inverse है, तो उसके derivative का हमें formula याद होना चाहिए, तो वो क्या था formula, d by dx of tangent hyperbolic inverse of x, तो tangent hyperbolic inverse of x का formula होता है 1 over 1 minus x square, तो अब यही हम यूज करेंगे यहां पे, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स, और यहां देखें टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स नहीं है, अब यहां पे साइन एक्स है, यानी टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो फिर उस सूरत हाल में हमारे पास क्या बन जाएगा, चेन रूल, यानी उस सूरत हाल में हमारे पास फार्मूला बनेगा 1 ओवर 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर और इनटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल, तो हम वो लगाएंगे यहां पे 1 ओवर 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये होगा हमारा, तो साइन एक्स का स्क्वायर इनटू, उसके बाद मैंने क्या कहा है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, एफ ऑफ एक्स यहां साइन एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और ये क्या बन जाएगा, वन माइनस साइन स्केयर, वन माइनस साइन स्केयर क्या होता है, कॉस स्केयर, ये आ जाएगा कॉस स्केयर ऑफ एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, कॉस एक्स, तो कॉस कट गया एक, वन ओवर कॉस रह गया हमारे पास, तो वन ओवर कॉस एक्स, तो ये क्या होता है, सीकेंट एक्स, वन ओवर कॉस एक्स क्या बन गया हमारे पास, सीकेंट एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और हमने यहां क्या किया, हमने सिर्फ इसी फार्मूले को इस्तेमाल नहीं किया,
ये था हमारे पास फॉर्मूला टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स के लिए, लेकिन यहां टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स नहीं है, एफ ऑफ एक्स है। उस सूरत हाल में हमें फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? चेन रूल की। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि उस सूरत हाल में हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, डी बाय डी एक्स ऑफ टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ये फिर बन जाएगा हमारे पास वन ओवर वन माइनस एफ ऑफ एक्स का स्केयर, और यहां पे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये बात हम चेन रूल की मदद से कह रहे हैं, तो चेन रूल की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। तो यही काम मैंने किया है, फार्मूला लगाया ये वाला, और साइन एक्स वन माइनस साइन स्केयर कॉस स्केयर होता है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना था कॉस, एक कॉस कट गया, वन ओवर कॉस बच गया, तो वो किसके बराबर होता है? सीकेंट एक्स के बराबर। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया सीकेंट एक्स। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए, y बराबर है log tangent hyperbolic x, तो log वाला फंक्शन आ गया जी, log f of x। log f of x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर f of x इनटू f का डेरिवेटिव। तो वही काम करना है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां आ गया dy by dx। और यहां पे देखिए log of tangent hyperbolic x है, log f of x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर f, पहले 1 ओवर f, f है tangent hyperbolic x, उसके बाद f of x का डेरिवेटिव d by dx of tangent hyperbolic x, और यहां आ गया 1 ओवर tangent hyperbolic x, और टेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, वन ओवर टेंजेंट का मतलब कॉट है, और कॉट का मतलब कॉस हाइपरबॉलिक ओवर साइन हाइपरबॉलिक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस हाइपरबॉलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबॉलिक एक्स, और सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर का मतलब वन ओवर कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर है, तो यहां पे एक कॉस कट जाएगा, बाकी नीचे साइन और कॉस रह जाएंगे, और उसको हम लिख सकते हैं सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स कोसीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स। एक कॉस कट गया, बाकी नीचे एक साइन रह गया और एक कॉस रह गया, और मैं उसको ऊपर लिखना चाहूं तो फिर क्या बनेगा? सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स इंटू कोसीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स। फोर्थ पार्ट देखते हैं जी, वाई बराबर है साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। अब यहां पर भी साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स नहीं है, साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एफ ऑफ एक्स है, तो हमें अपने फॉर्मूले को एफ ऑफ एक्स के लिहाज से बनाना है, और वो कौन बनाएगा? चेन रूल। तो पहले देखते हैं साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स का, तो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एफ ऑफ एक्स है तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, जैसे हमने टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स में किया है, बिल्कुल वैसे ही हमने करना है। और ये हम बात करते हैं चेन रूल की मदद से, तो यहां पे साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब है, एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स क्यूब है, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स निकल आया हमारे पास। उसी फार्मूले की मदद से थोड़ा मॉडिफाई करेंगे फार्मूले को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब यह एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो एक्स क्यूब इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 6 का स्क्वायर रूट, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर, पावर रूल की मदद से, तो ये हमारे पास सिंपल क्या बन गया? 3x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 6 का स्क्वायर रूट, तो ये गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x।